Subscribe Queen Simple Unique Recipes Cooking Secret. Like and share our videos with your friends and family. Press the bell icon for daily notification. Review us in comment section. Thank you. आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी एक डेजर्ट. ये है अनार का एक डेजर्ट है. इसका नाम मैंने दिया पोमेग्रेनेट केक. तो पोमेग्रेनेट केक के लिए क्या क्या चाहिए आप लोग देख लीजिए. मैंने दो पोमेग्रेनेट लिया. तो ये पोमेग्रेनेट है, मैंने इसको ये नहीं किया, जूस नहीं बनाया. तो ये डेकोरेशन के लिए मुझे चाहिए. मैंने जूस ऑलरेडी बना लिया, ठीक है. तो इसके लिए चाहिए पहले सेमोलिना या सूजी, अनार का जूस, फ्रेश अनार का जूस. और ये है कार्ड, 200 ग्राम काट चाहिए, लेकिन इसका पानी निकाल लीजिए, हंग कट बना लीजिए. ये देखिए ऐसे करने से पानी सारा निकल जाएगा. और एक चुटकी काला नमक, बटर, शुगर, इससे बन जाएगा. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. पहले ये जो सेमोलिना या सूजी मैंने एक कप भर के लिया. उसके बाद ये जो कार्ड है, जरूर ये हंग कट बना लीजिए, जैसे पनीर जैसे बन जाएगा. इसका कारण है, दूसरे डिश में भी मैंने चैनल में मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसमें हंग कट से नहीं दिखाया था. इसका कारण है, इसका जो पानी हमें नहीं चाहिए, इसका जो दही का जो ज़्यादा हिस्सा मुझे चाहिए. तो और जो पोमेग्रेनेट का जो जूस है, मेन जो इंग्रेडिएंट्स है इस केक का, ये ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. तो क्या होता है, स्वाद में बहुत अच्छा लगता है. ये बहुत बढ़िया एक डिश है. तो मैंने दे दिया एक चुटकी नमक दीजिए. स्वीट डिश में भी थोड़ा एक चुटकी चाहिए, हम लोग पायस में भी देते हैं. उसके बाद ये दीजिए थोड़ा थोड़ा करके, जितना चाहिए दीजिए, साथ साथ चीनी भी दे दीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो दे सकते हो. 2 टेबलस्पून से 1 कप का बन जाएगा ये सारा पोमेग्रेनेट. मैंने दे दिया, देखती हूँ और चाहिए तो मैंने फ्रिज में रखा, बना के दे दूँगी. फ्रेंड्स ये बन गया, देखिए ये जो सेमोलिना मैंने 10 to 15 मिनट दिया, ये फूल गया, इसकी वजह से इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ठीक है. ये एक तरफ रखिए अभी. तो अभी इस पत्र में केक बनाना है, ठीक है. तो इसमें थोड़ा सा दे के ग्रीजिंग करना है, अच्छी तरह से ग्रीजिंग कर लीजिएगा पूरा भर भर के, ठीक है. इसके दौरान इसके अंदर भी हमें थोड़ा मक्खन देना है, अच्छी तरह से मिलाइए. फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो थोड़ी सी ऑर्गेनिक कलर आप दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो अनार है ये अनार है. तो बहुत टाइप का अनार होता है, जो कंधर एक अनार का टाइप है वो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो मुझे ये लाना पड़ा, इसलिए मैं कलर मिला रही हूँ. ये ऑर्गेनिक है, नहीं चाहते हो तो मत दो. थोड़ी सी उसमें आपका जो हिसाब है कंटेनर का, उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा. पूरा फैला दीजिएगा इस अनार को. हो गया. अभी जो लास्ट काम है मेरा, ये जो इनो का पाउच है. फ्रेंड्स मैं बोल देती हूँ, मैं ये केक फ्लफी बने, हल्का बने, इसलिए मैं इनो का ये पाउच दे रही हूँ. अगर आपके पास नहीं हो फिर भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें कार्ड है, कार्ड से भी बन जाता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ये ज़रूरी है, दुकान जैसे बनाने के लिए. तो इनो मैंने डाल दिया, ये जो कंटेनर में डाल दीजिए, पूरा फैला दीजिए अच्छी तरह से. ओके, पानी बॉयल होना शुरू किया, एक स्टीमर रखिए, इसके ऊपर ये रखिए, अभी आधा घंटे तक
इसको स्टीम करना। फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से स्टीम हो गया, देखिए कितना फूल गया। अभी इसको पलटना है। व्यूअर्स पोमेग्रेनेट केक बन गया, मैंने सर्व भी कर दिया, सजा भी दिया, डेकोरेशन भी कर दिया। तो आप लोग ज़रूर बनाइए, मैंने जैसे जैसे गाइड किया है ऐसे बहुत अच्छा लगेगा। और चीनी और मक्खन अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी और दे सकते हो, लेकिन मैंने जो दिया रेशियो के हिसाब से वो बिल्कुल सही है। तो आप लोग ज़रूर बनाइए और मुझे लिखिए आप लोगों को कैसा लगा ये पोमेग्रेनेट केक। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं अगली बार अच्छा अच्छा डिश आप लोगों को दिखा सकूं। नमस्ते।